नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास, वीएनएम न्यूज रूम से आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है देश भर में और 2 हफ्ते यानी कि 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 10 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही घर से बाहर निकल पाएंगे और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं 17 मई तक बंद रहेगी। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल को भी मंजूरी नहीं दी गई है, 17 मई तक ये सब बंद रहेगा। हवाई, रेल, मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेगी। दिन ब दिन और हर घंटे पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शाम 6:30 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो है 33,29,453, ये विश्व के आंकड़े हैं कोरोना संक्रमितों के, और जिसमें डेथ हुई है 2,34,725 और जो ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं वो है 1,53,040 लोग ठीक हो गए हैं। देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो 35,447 लोग कोरोना संक्रमित है, जिसमें एक्टिव केस है 24,943, 9,340 लोग रिकवर हो गए हैं और 1,160 लोगों की मृत्यु हो गई है। गुजरात का आंकड़ा 4,395 पहुंच गया है और महाराष्ट्र ने 10,498 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। अब नजर डालते हैं शहर की खबरों पर। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। देश में 17 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में मिलेगी रियायत। न्यू वासना रोड पर कंक्रीट बनाने वाली कंपनी ने कामदारों को नहीं दिया वेतन, कामदार मुसीबत में। और ईदगाह मैदान निकट पानी की बर्बादी, रोज उड़ता है कई फीट ऊंचा फव्वारा। देश भर में लॉकडाउन है और 3 मई को ये लॉकडाउन खत्म होना था, मगर आज गृह मंत्रालय ने सूचना जाहिर की कि 2 हफ्ते ये लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन की अवधि फिर से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है। ग्रीन जोन में बसें चल सकेगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। डेपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नाई की दुकानें, सलून आदि बंद रहेंगे। इस पर विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से दी जाएगी। देश के कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं, यानी 40% से भी ज्यादा। ये 307 जिले ग्रीन जोन में हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियां, दुकानें, छोटे मोटे उद्योग समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। जितना लंबा लॉकडाउन चल रहा है, उतनी ही ज्यादा मुश्किलें मजदूरों के लिए बढ़ती जा रही है। वासना रोड की परिसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूर वेतन मांग रहे हैं जो उनको नहीं मिल रहा है, और मांग रहे हैं वो कि हमें अपने वतन वापस भेजा जाए, वो भी नहीं हो रहा है। आज मीडिया द्वारा उन्होंने अपील की है कि हमारे लिए कुछ किया जाए। पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग काफी परेशान है। शहर के न्यू वासना रोड पर स्थित कंक्रीट का मटेरियल तैयार करने वाली पारसी कंस्ट्रक्शन में 35 से 40 मजदूर काम करते हैं, जिन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। ऐसे आरोप कामदार लगा रहे हैं और साथ में मांग कर रहे हैं अपने वतन जाने की। हम लोगों को घर जाना है, पैसा 3 महीने से मिला नहीं है, बस और के खाने पीने का मिल रहा है पर इतना ज्यादा वो नहीं है। कितने दिनों से समस्या? अरे पूरा 3 महीना हो गया, यहाँ फरवरी से बंद हुआ है जिस दिन से ही, और खर्चा मिल रहा है तो हम लोगों का ही खर्चे से काम चल रहा है। और खाने पीने की व्यवस्था कैसे, वो देने आते हैं क्या? हाँ, वो गाड़ी से पहुँचाते हैं पर वो कागज 4 दिन में खत्म हो जाता है, तो वो तो खाते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले? हम लोग MP के रहने वाले। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है,
तपते सूरज के नीचे लोग वैसे ही परेशान हैं, और जब पानी नहीं मिले तो और भी परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में ईदगाह मैदान के पास में पानी की पाइपलाइन लीकेज है और हजारों गैलन पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। वडोदरा में एक और कोरोना का कहर है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन, और इन दोनों समस्याओं के बीच वडोदरा महानगर पालिका सुचारू जलापूर्ति नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति भी हो रही है, और ऐसे में ईदगाह मैदान निकट पानी की पाइपलाइन में रिसाव से 12 से 15 फीट ऊंचा फवारा रोज उड़ता है। तपती गर्मियों के इस मौसम में बरसात का माहौल यहां देखने मिल रहा है, और साथ ही हजारों गैलन पानी की बर्बादी भी हो रही है। वडोदरा शहर ना आ दक्षिण विस्तार में आवेला ईदगाह मैदान पासे नो रोड छे, अने आ रोड पर छेल्ला केटलाय समय थी पानी नी लाइन में एक कनेक्शन करवामां आवेलू, ए कनेक्शन नो वाल तूटी जता अहीं हजारों लीटर पानी ज्यारथी पानी सवारे शुरू थाय छे त्यारथी लईने अत्यार सुधी हजारों लीटर पानी वेड़वाई रह्युं छे। वडोदरा महानगरपालिकानो आ गैरवहीवटना कारणे वडोदरा शहेरनी जनता छेल्ला केटलाय समयथी गंदा पाणीनी समस्याथी पीड़ाई रही छे। જ્યારે વડોદરા શહેરમાં કોરોના વાયરસ નામનો રોગચાળો ફેલાયેલો છે અને દિવસે ને દિવસે એની સંખ્યા વધી રહી છે, ત્યારે વડોદરા શહેરના લોકોને વડોદરા શહેરની જનતાને જે વેરા ભરે છે એ લોકોને આ ગંદુ પાણી પીવડાવવાનો વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો કારસો અને વડોદરા શહેરના લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકવાનો કારસો એ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વહીવટ પરથી સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે, અને એને કારણે વડોદરા શહેરની જનતાને ઘણું બધું ભોગવવાનું આવે છે। જ્યારે વેરા ઉઘરાવવાના આવે છે ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાને સુરાતન ચડે છે, અને જ્યારે કામ કરવાનું આવે છે ત્યારે આ લોકો એસી કેબિનમાં બેસી જાય છે। અમારી એવી વિનંતી છે વડોદરા મહાનગરપાલિકાને કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા આ જે કંઈક આની માટે જવાબદાર લોકો છે એમના પર તાત્કાલિક અસરે કાર્યવાહી કરે, અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જે પણ અધિકારીઓ જવાબદાર છે એમના પર માતબ્બર રકમનો દંડ ફટકારે અને આ સમસ્યાનો વહેલી તકે નિરાકરણ લાવે એવી અમારી વિનંતી છે। आज 60वां गुजरात स्थापना दिवस है। गुजरात स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज गुजरात का 60वां स्थापना दिवस है। 1 मई 1960 को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र से अलग कर गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी। तब से लेकर अब तक इस दिन को गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले तक गुजरात बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था। जब मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात के गठन का प्रस्ताव आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत की। प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। कहा जाता है कि 2500 वर्ष पहले पंजाब से हड़प्पा वासियों ने कच्छ का रण पार कर नर्मदा की उपत्यका में मौजूदा गुजरात की नींव डाली थी। हारी सरहदों ने हार्या सीमाड़ाओ जीत्यू हमेशा गुजरात। आज गुजरात ना स्थापना दिवस निमित्ते हूँ शब्दसरण ब्रह्मभट संकल्प लू चु के जयरे जयरे घर की बाहर निकली तरह हूँ हमेशा फेस कवर एट्ले कि मास्क नो उपयोग करीश अने अन्यों ने पण फेस कवर लगावा माटे प्रेरित करीश। हूँ हमेशा सामाजिक अंतर एट्ले कि सोशल डिस्टन्सिंग पण जाळवीश અને લોકો પણ એ જાળવે તેવો આગ્રહ રાખીશ। હું વારંવાર મારા હાથ સાબુ વડે ધોઈશ અને અન્યોને પણ પોતાના હાથ વારંવાર સાબુ વડે ધોવા માટે પ્રેરિત કરીશ। આજે ગુજરાતના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। નમસ્કાર। 1 મે એટલે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ। હું આપ સૌને ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે સાથે આપણા ગુજરાતના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આપણને સૌને સંકલ્પ લેવા માટેનો એક મેસેજ આપ્યો છે, સંદેશ આપ્યો છે। આવો આપણે બધા જ આ સંકલ્પ લઈએ। હું રંજન ભટ્ટ, શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી અધ્યક્ષા અને સાંસદ, હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે હું ઘરની બહાર નીકળીશ ત્યારે હંમેશા ફેસ માસ્ક સાથે જ નીકળીશ અને બધાને પણ ફેસ માસ્ક પહેરવા માટેનો આગ્રહ કરીશ। સાથે હું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ 2 ગજ દૂરીનું જાળવીશ અને લોકોને પણ 2 ગજ દૂરી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવે તેવો આગ્રહ કરાવીશ। સાથે સાથે ઘરમાં હું વારંવાર હાથ સાબુથી ધોઈશ અને ઘરના સૌ પરિવારજનોને પણ વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવડાવીશ। ફરીથી
માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી આપણને સૌને જે આ સંકલ્પ લેવાનો આગ્રહ કર્યો છે, આપણે બધા જ આ સંકલ્પ લઈએ અને કોરોનાને પરાસ્ત કરીએ. આપ સૌને ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. ધન્યવાદ. અબ વક્ત ચલા એક બ્રેક કા. બ્રેક કે બાદ ખબરો કા સિલસિલા જારી રહેગા. આપ દેખતે રહીએ VNM ન્યૂઝ. अम्बे विद्यालय एंड जय अम्बे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास. स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं. एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज. एडमिशन ओपन्स फॉर केजी टू 8th क्लास. आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें. अम्बे एंड जय अम्बे विद्यालय बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kannan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kannanprep.com. One stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kannan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1-800-233-6699. FutureLink Consultants, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख. A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. FutureLink देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में. विजिट FutureLink हेड ऑफिस 216 अटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पतियाला, प्लाजो और पेंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगार्मेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. वडोदरा में आज लगातार दूसरे दिन 19 मामले कोरोना संक्रमितों के दर्ज हुए हैं और इन 19 मामलों के साथ में वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है 324. वडोदरा में आज लगातार दूसरे दिन नए 19 मामले दर्ज हुए हैं. वडोदरा शहर में पिछले 24 घंटों में 142 सैंपल लिए गए, जिसमें 123 सैंपल नेगेटिव है जबकि 19 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिसके चलते शहर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 324 पर पहुंच गई है. शहर में नए मामले रबारीवाड़, मुगलवाड़ा, घनश्याम पार्क, नागरवाड़ा, पानीगेट, फकरी मोहल्ला में दर्ज हुए हैं जबकि 2 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है. गाजरावाड़ी के डब्बी फलिया में रहने वाले 54 साल की महिला कल्पना मस्के और वाड़ी के रबारीवास में रहने वाले 67 वर्षीय पुरुष मोहम्मद हनीफ रंगरेज की कोरोना वायरस से मौत हुई है. कुल मिलाकर शहर में अब तक 23 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है जबकि 112 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं. आज माहे रमजान का पहला शुक्रवार. आज सभी मुस्लिम बिरादरों ने, सभी परिवार ने घर में ही आज शुक्रवार की नमाज अदा की. वडोदरा शहर की सभी मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी मस्जिद मांडवी की आज बिल्कुल सुनसान नजर आई. रमजान के पाक महीने का आज पहला जुम्मा है और जुम्मे की नमाज बड़ी नमाज मानी जाती है. यूं तो हर जुम्मा के दिन मुस्लिम भाई मस्जिद में एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं और रमजान में इसे खास माना जाता है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन है और उसी के चलते मस्जिदें बंद रखी गई है. शहर की सभी मस्जिद बंद है और मुस्लिम परिवारों को घर में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नमाज पढ़ने की अपील की गई है. ऐसे में सरदार भवन के खांचे में मेमन परिवार के बच्चे कुछ इस तरह अल्लाह की इबादत करते हुए इस महामारी से निजात दिलाने की दुआ कर रहे हैं. आज मेरे 7 रोजे हुए और मैंने और आज जुम्मा है और मैंने घर में
जुम्मा की नमाज अदा की है और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी सब ये लॉकडाउन तक घर में ही नमाज अदा कर। पूरा भारत लॉकडाउन में चल रहा है और सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी करना है, उसके बावजूद लोग बिना मास्क और बिना वजह घर से बाहर निकलते हैं। आज प्रशासन ने बिना मास्क निकले लोगों को दंडित किया। देश भर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और गुजरात भी कोरोना के कहर से अछूता नहीं है। ऐसे में कोरोना केस रोकने के लिए गुजरात के कई शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और वडोदरा शहर में भी मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना मास्क पहने सड़कों पर निकल पड़ते हैं। ऐसे लोगों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लगातार दंडित किया जा रहा है। आज भी इलोरा पार्क से लेकर जीबी सर्कल तक जांच करते हुए बिना मास्क बाहर निकले लोगों को दंडित किया गया। माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर ना आदेश थी जे शहरी जनों द्वारा वगर मास्क पहरीने मतलब मास्क पहरिया वगर ये लोगों अवर जवर करता हो सामे कायदा की रीते 1,000 रुपया पहली बार पकड़ाए तो 1,000 रुपया दंड, बीजी बार पकड़ाए तो 5,000 रुपया दंड वसूलवानी कार्यवाही चाले छे। अने आ कार्यवाही मूल हेतु ए आ COVID-19 एटले के जे महामारी जे प्रकोप फैलायो छे तेने रोकवानो छे, बीजो कोई दंडनीय कार्यवाही करवानो कोई हेतु नथी। पण साहेब लागे छे के सर पब्लिक जागृत नथी थती के एना पर ध्यान नथी राखती, कई रीते जागृत तो नथी थती एवुं नथी, परंतु घणी वखत रही गयु होय छे, भूल थई गई होय छे, एवा पण किस्साओ होय छे। પણ તે છતાંય પબ્લિકને હજી ટેવાડવાની જરૂર છે હજી। અભી લોકડાઉન ચલ રહા હૈ શહેર મેં ઉસકે બાવજૂદ સુબહ સવેરે રોડ પર ઇતના ઝ્યાદા ટ્રાફિક દિખાઈ પડતા હૈ ઓર ઉસમે સબસે ઝ્યાદા ફોર વ્હીલર ઝ્યાદા દિખાઈ પડતે હૈ ઓર ઉસકે ચલતે એસા લગતા હૈ માનો લોકડાઉન શહેર મેં સે હટ ગયા હો। यूं तो कोरोना संक्रमण के चलते शहर में लॉकडाउन है, लेकिन सुबह सवेरे पूरे शहर में बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही देखने मिलती है। दरअसल सुबह 2-3 घंटे दुकानें खुली रहती हैं और इन दुकानों में सामान लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल पड़ते हैं। अब न सिर्फ लोग दोपहिया वाहन लेकर निकलते हैं, लेकिन 4-पहिया गाड़ियों के साथ भी शहर की सड़कों पर घूमते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। पूरे शहर में कोरोना केस बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद लोग तरह तरह के बहाने कर काम से बाहर निकल पड़ते हैं, जो आगे चलकर कोरोना संक्रमण फैलने का कारण बन सकते हैं। कोरोना के सामने लड़ाई में जिस तरह डॉक्टर, पुलिस और सफाई सेवक और साथ साथ में बैंक कर्मचारी भी जुड़े हैं, आज 5,000 से ज्यादा शिक्षकों की आर्मी कोरोना के सामने लड़ने तैयार हो गई। वडोदरा शहर में 5,000 जितने शहर जिला के शिक्षकों के साथ COVID-19 आर्मी आज लॉन्च की गई। ये सभी शिक्षक शहरी और ग्रामीण इलाके में जाकर स्वास्थ्य विभाग का कोरोना के खिलाफ लड़ने में सहयोग करेंगे। साथ ही 91,00,000 रुपए का चेक भी मुख्यमंत्री राहत फंड में प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा जमा करवाया गया, जबकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों ने 71,00,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत फंड में दिए हैं। इस मौके पर 120 शिक्षकों द्वारा गुजरात स्थापना दिवस पर कोरोना को हराने का विजय संकल्प भी लिया गया। गुजरात के बाहर के जो गुजरात में फंसे हुए लोग हैं और गुजरात के लोग जो बाहर फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए एक विशेष ई पास सिस्टम बनाई गई है, जिसके बारे में जानकारी दी जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने। भारत सरकार श्रीनी सूचना मुजब बीजा राज्यों स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्ट्रेंडेड लोको अने माइग्रेंट लेबर ने बीजा राज्यों में मोकलवा माटेनू परिपत्र बहार पाड़वामां आव्यू छे अने गुजरात सरकारश्रीए अन्य राज्यों नोडल ऑफिसर्स नी निमणूक करी छे। वडोदरा जिल्ला में पण ई पास सीस्टम की व्यवस्था चालू करवामां आवी छे। आ लोको ऑनलाइन पास माटे अरजी करी शके छे। एमना माटे एक कंट्रोल रूम अहीं उभू करवामां आव्यू छे। दरेक राज्य माटेना नोडल ऑफिसर्स एमनी निमणूक करवामां आव्यू छे। आ समग्र कामगीरी डिप्टी कलेक्टर कक्षाना ऑफिसर एमनू संचालन करी रह्या छे। एमना साथे साथे 1077 उपर लोको
क्वेरी कर पूछी शके छे, आ संबंधे माहिती मेळवी शके छे। एमना सिवाय आ लोकोनू हेल्थ स्क्रीनिंग माटे दरेक सीएचसी पीएचसी अने अर्बन हेल्थ सेंटर्स ऊपर टीम्स माटेनी सूचना आपवामां आवेल छे। एमना सिवाय 9 चेकपोस्ट समग्र जिल्लामां ऊभी करवामां आवी छे। आमां पुलिस अने हेल्थना लोकोनी टीम्स बनावीने चेकपोस्ट ऊपर राखवामां आव्या छे, जेथी त्यां पण जोनू स्क्रीनिंग जिल्लामां कि रूरल एरियामां ना थई शक्यू होय एमनू वधारानी स्क्रीनिंग माटेनी वधारानी फेसिलिटी आ 9 चेकपोस्ट ऊपर ऊभी करवामां आवी छे। तालुका पुलिस स्टेशन और पुलिस कर्मचारियों का आज अल्कलाइन वाटर से सैनिटाइजिंग किया गया। तालुका पुलिस स्टेशन और पुलिस कर्मचारियों का आज अल्कलाइन वाटर से सैनिटाइजिंग किया गया। जापान की एनाजिक नामक कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वाटर को फिल्टर करने का काम करती है और उस पानी को केंजेन वाटर कहा जाता है। इस मशीन से प्राप्त पानी में एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर्स का गुण होता है। इस मशीन को लेकर तालुका पुलिस स्टेशन इलाके में जितने भी पॉइंट लगाए गए हैं, इस पॉइंट पर पुलिस और निजी कंपनियों के सहयोग से पुलिस कर्मचारियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मारू नाम पिंटू भाई भट्ट छे, मारा मित्र विजय भाई पाटिल, अमे बन्ने भेगा मळीने वडोदरा रूरल पुलिस स्टाफ ने सैनिटाइज करवा जई रह्या छीए, જેની વિગતવાર જાણકારી મારા મિત્ર વિજયભાઈ તમને આપશે। વિજયભાઈ તમે થોડી જાણકારી જણાવો। નમસ્કાર મિત્રો, જેમ કે દેશભરમાં જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે એના સંદર્ભમાં અમે વડોદરા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા દરેક પોઈન્ટ પર જઈને દરેક પોલીસ મિત્રોને અમે સેનિટાઈઝ કરી રહ્યા છીએ અને અમે જે સેનિટાઈઝ કરી રહ્યા છીએ એ પાણી 2.5 પીએચનું છે અને એ 2.5 પીએચનું પાણી જાપાનનું એક મશીન છે જેનું નામ છે કેંગન વોટર અને એ કેંગન વોટર નામના મશીનમાંથી આ પાણી નીકળે છે જે 2.5 પીએચનું એન્ટીબેક્ટેરિયલ પાણી છે અને એ પાણીથી એમાં કોઈપણ પ્રકારના જમ્સ રહી શકતા નથી અને તે બદલ હું આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યો છું અમારા પોલીસ મિત્રોમાં શ્રી પીજે ખરજન સાહેબ અને એ આ સાહેબ કનુભાઈ સાહેબ અને એમના ડિસ્ટાફનો। तांदलजा की भाना अस्पताल में इलाज के लिए आए शख्स का कोरोना पॉजिटिव आया है रिपोर्ट और इसी के तहत आज भाना अस्पताल को सील कर दिया गया। तांदलजा की मधुरम मस्जिद के पास घर में ही भाना अस्पताल चलाया जाता है, जहां इलाज करवाने नागरवाड़ा का मरीज अस्पताल पहुंचा, जो बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। मामले पर कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल की ओपीडी को रोक कर अस्पताल सील कर दिया गया है। परसों सुबह पेशेंट आया था, कुछ यहाँ अंसार हॉस्पिटल में से ट्रीटमेंट ले गए। हम यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं उनका सब देखते ही हैं, सबकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। तो परसों सुबह आया तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, खांसी वगैरह, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं पहले मुझे। फिर मैंने उसको थरली चेक किया तो मुझे प्रॉब्लम लगा, थोड़ा उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन में कम था, तो मैंने उसको बोला कि इमीजिएटली आप ब्लड टेस्ट और एक्सरे करा लो। फिर ब्लड टेस्ट के लिए भेजा और एक्सरे कराया था, एक्सरे में काफ़ी बड़ा न्यूमोनाइटिस था, पूरा एक लंग कॉन्सोलिडेटेड था, इसलिए मुझे इमीजिएटली सब हो गया। मैं बोला आप इधर मत आओ, उसका सनाया ले जाओ, बोला उसको इमीजिएटली आप SSG ले जाओ। फिर यहाँ से वो लोग SSG ले गए, फिर मैंने यहाँ पर डॉक्टर पारुल मैडम हैं एमओ, उनको इमीजिएटली फ़ोन किया कि देखो मैडम ऐसा मेरे यहाँ पर पेशेंट आया नवाबवाड़ा का, तो आप थोड़ा फॉलोअप कर लो, उसको मुझे COVID-19 पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए मैंने इमीजिएटली उनको कर दिया और उसको भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन चीट लिख के रेफरेंस लेटर लिख के SSG भेज दिया। फिर वहाँ से वो उतरी गए और फिर कल दोपहर में मैडम का फ़ोन आया कि पॉजिटिव है, तो मैं बोला ठीक है फिर मेरे हॉस्पिटल पर मैं आता हूँ 5 बजे आ जाऊँ। फिर 5 बजे आया, उनको फ़ोन किया, फिर वो आया और ऐसे वो नीचे ही बैठे थे पेशेंट, तो फिर वो पूरा एरिया हमने सैनिटाइज करवा दिया और हम सब पूरा स्टाफ का, मेरा और जो भी इंडोर पेशेंट है उन लोगों का सबका टेस्ट हमने भेज दिया है। आज शाम तक 9 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगा, फिर देखते हैं आगे। अभी फिलहाल जो OPD चल रही थी, OPD हमने अभी बंद रखा है, इसके लिए एक बार रिपोर्ट्स आ जाने दो, अननेसेसरी हम एक्सपोज हुए हैं तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारे दूसरे पेशेंट को एक्सपोज हो, इसके लिए अभी OPD फिलहाल बंद रखा है। अभी रिपोर्ट आते हैं फिर गाइडलाइन क्या बोलती है, गवर्नमेंट क्या सजेस्ट करती है, उसके हिसाब से आगे देखेंगे क्या करते हैं। आज गुजरात दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री, शहर के जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर ने लॉकडाउन के पालन की कटिबद्धता जताई।
હું વિજય રૂપાણી ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ કરું છું કે હું માસ્ક પહેર્યા વગર બહાર નીકળીશ નહીં, હું સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું ધ્યાન રાખીશ, એટલે કે દો ગજ દૂરી એનું હું હંમેશા ધ્યાન રાખીશ. હું દિવસમાં વારંવાર સાબુથી હાથ ધોઈશ અને સેનેટાઈઝ કરીશ. આ પ્રકારનો ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે હું સંકલ્પ કરું છું. ગુજરાત સ્થાપના દિવસના નિમિત્તે હું બધાને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આખા ગુજરાતમાં 3 સંકલ્પ લેવા માટે આહ્વાન કર્યું છે. હું શાલિની અગ્રવાલ, કલેક્ટર વડોદરા, સંકલ્પ લઉં છું કે હું માસ્ક પહેરીશ, જાહેરમાં કોઈ પણ જગ્યા ઉપર જઈશ તો માસ્ક પહેરીશ, હું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવીશ અને 2 ગજ દૂરીની વાત ભૂલીશ નહીં, હું વારંવાર સાબુથી હાથ ધોઈશ અને વારંવાર સેનેટાઈઝ કરીશ. હું અનુપમસિંહ ગહેલોત, પોલીસ કમિશનર વડોદરા શહેર. આજે આપણા ગુજરાત રાજ્યના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે હું સંકલ્પ લેવું છું કે હું વિના માસ્ક પહેરે બહાર નહીં નીકળીશ, હું સદૈવ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ બનાવીને રાખીશ અને 2 ગજના દૂરી તમામ લોકોથી રાખીશ. હું દિવસમાં વારંવાર આપણા હાથ સાબુથી સાફ કરીશ અને સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરીશ. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ, જય ભારત. જબ સે શહેર મેં લોકડાઉન શરૂ હુઆ હૈ તબ સે ટીમ ગબ્બર વિવિધ વિસ્તાર કે ગરીબ લોકો કો ખાના પહોંચાને કા કામ કર રહી હૈ. આજ ટીમ ગબ્બર ને વડોદરા શહેર કે અલગ અલગ સ્લમ વિસ્તાર મેં 1111 લિટર દૂધ બચ્ચો કો વિતરિત કિયા. આજ ટીમ ગબ્બર ને બાજવા, કરોડિયા, ઉંડેરા, ફતેગંજ, સમા, કારેલીબાગ સમેત કે સ્લમ ઇલાકો મેં સડકો પર રહેને વાલે લોકો કો કઈ લિટર દૂધ કા વિતરણ કિયા. વડોદરા શહેરની અંદર ટીમ ગબ્બર દ્વારા સતત સ્લમ વિસ્તારોની અંદર ભોજન પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ આજે સ્લમ વિસ્તારના નાગરિકોની એક માંગ હતી કે જ્યારે અમને તમે જમવાનું પૂરું પાડી રહ્યા છો પરંતુ અમારા નાના નાના બાળકોને દૂધ નથી મળી રહ્યું, તો તેઓની માંગ હતી અને માંગને ધ્યાનમાં રાખીને ટીમ ગબ્બર દ્વારા આજે 1111 લીટર દૂધની થેલીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. લોકડાઉન કે તહેત જીતના માસ્ક પહેરના જરૂરી હૈ ઉતના હી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ કા ધ્યાન રખના ભી જરૂરી હૈ. લોગ બહાર નિકલતે હૈ સામાન ખરીદને કે લિયે, ઉનકો ખ્યાલ રખના હૈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રખને કા, ઓર સાથ સાથ મેં મોલ ઓર દુકાનદારો કો ભી યે સારી ચીઝો કો ફોલો કરના હૈ. આજ લુણાવાડા મેં કઈ દુકાનો મેં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ કા અભાવ દેખા ગયા, જિસકી વજહ સે દુકાને સીલ કી ગઈ. મહીસાગર જિલ્લા કે લુણાવાડા મેં કિરાને કી દુકાને ઓર મોલ સીલ કરને કી કાર્યવાહી કી ગઈ. લુણાવાડા કી ઇન દુકાનો મેં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ કા અભાવ દેખા ગયા ઓર ઉસી કે ચલતે પ્રાંત અધિકારી ને કાર્યવાહી કરતે હુએ કિરાને કી 3 દુકાન ઓર 1 મોલ કો સીલ કર દિયા. સરકારી નિયમો કા ઉલ્લંઘન કરને પર પ્રાંત અધિકારી દ્વારા કી ગઈ કાર્યવાહી સે લુણાવાડા કે વ્યાપારીઓ મેં હડકંપ દેખા ગયા. વીએનએમ ન્યૂઝ રૂમ સે અભી બસ ઇતના હી. VNM News के साथ में जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है VNM YouTube चैनल और जुड़ जाना है VNM के साथ में शहर, राज्य, देश और दुनिया की खबरों के लिए. फिर लौटेंगे 11 बजे दोबारा खबरों के साथ में. तब तक नमस्कार.